अधिकांश विधायकों को फिर से टिकट मिला है, एक एक करके आपको बताएंगे कि कौन सी सीट से कौन से उम्मीदवार को उतारा गया है। घाटशिला की अगर हम बात करें तो घाटशिला से रामदास सोरेन, बैरागोरा से समीर मोहंती को जोहार, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। सबको इंतजार था इस बार जे में झारखंड मुक्ति मोर्चा आखिर किस किस को सीट देने वाली, तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और अभी वो लिस्ट भी आ गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा जगह से किस किस प्रत्याशी को सीट मिला है। तो चलिए एक बार देखते हैं। 35 उम्मीदवारों का ऐलान किया है हेमंत सोरेन बरहेट और कल्पना सोरेन गांडे से उतरेंगी चुनावी मैदान में। बसंत सोरेन फिर से दुमका से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अधिकांश विधायकों को फिर से टिकट मिला है, एक एक करके आपको बताएंगे कि कौन सी सीट से कौन से उम्मीदवार को उतारा गया है। शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नाला से रविंद्रनाथ महतो को, दुमका से बसंत सोरेन को, मधुपुर से हफिजुल हसन को, सारठ से उदय शंकर सिंह को, डुमरी से बेबी देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। टुंडी से मथुरा महतो, चंदन कियारी से उमाकांत रजक जो कि अभी ही जेएमएम में शामिल हुए हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। बैरागोरा से समीर मोहंती को, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जुगई सराई से मंगल कालिंदी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। गिरिडीह से सुदिव्य कुमार, ओटका से संजीव सरदार और ईचागढ़ से सबिता महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। घाटशिला की अगर हम बात करें तो घाटशिला से रामदास सोरेन, चाईबासा से दीपक बैरवा, मनोहरपुर से जगत मांझी, खरसावा से दशरथ गगराई और तोरपा से सुदीप गुड़िया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तामार की बात कर ले तो विकास मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा गया। और एक एक करके आपको हम हर सीट पे कौन से उम्मीदवार उतारे गए उसकी जानकारी दे रहे थे। निरंजन इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन देखिए 31 सीटों पर जेएमएम की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कट कर दिया गया, 35 जो विधायक है उनकी उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि सिंधी से अमित महतो को टिकट दिया गया है, मतलब लगभग सभी उम्मीदवार को ही मौका मिला है जो पिछले इलेक्शन में खड़े हुए थे, जितने भी विधायक रह चुके हैं तो उन्हीं लोगों को इस बार भी मौका मिला है। तो बीजेपी से विधायक थे उनसे टिकट दिया गया है। लिट्टीपारा से हेमलाल मुर्मू जो बीजेपी से छोड़ करके जेएम का दामन थामे थे उसको दिया गया। जमुआ से केदार हाजरा जो बीजेपी के विधायक थे उनको टिकट दिया गया है। भवनाथपुर से जो अनंत प्रताप देव हैं उसे टिकट दिया गया है। खरसावा से कुल मिलाकर के देखें तो सभी जो पूर्व विधायक रहे हैं उनमें से सिर्फ दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटा गया है, बाद बाकी सभी को टिकट दिया गया है। उसमें नए जो लोग हैं उसमें देखें तो तोरपा से सुदीप गुरिया है और नया जो है उसमें से जमुआ से केदार हाजरा है, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव हैं, दिल्ली से अमित महतो हैं, बरकट्टा से जानकी यादव जो रघुवर दास के समय में उनका विधायक था वहां से उसे टिकट दे करके वहां से दिया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। धर्मार से निजामुद्दीन अंसारी हैं और गुमला से भूषण तिर्की, तमार से विकास मुंडा, खरसावा से दशरथ गगरई, मनोहरपुर से जगत मांझी, मझगांव से नीरल कुर्सी, चाईबासा से जो दीपक बिरुआ भी मंत्री हैं उन्हें दिया गया है। ईचागढ़ से जो बात हो रही थी कि सविता महतो की बेटी को टिकट दिया जाएगा लेकिन सविता महतो को ही टिकट दिया गया है। बहरागोरा से समीर मोहंती को टिकट दिया गया है। आपको याद होगा कि दो दिन पहले कुणाल सारंगी बीजेपी छोड़ करके बीजेपी से इस्तीफा 6 महीना पहले दिया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे थे, मुख्यमंत्री आवास पर उन्हें पट्टा पहनाया गया था लेकिन उसे टिकट नहीं दिया गया है क्योंकि इस आस में था कि मुझे वहां से टिकट मिलेगा बहरागोरा से, लेकिन वर्तमान में जो विधायक उसे ही टिकट दिया गया है। वही घाटशिला से रामदास सोरेन जो अभी वर्तमान में मंत्री है उन्हें टिकट दिया गया। कुल मिलाकर के जो सभी विधायक है सिटिंग एमएलए है उसे टिकट दिया गया है। सिर्फ एक जो टिकट काटा गया है उसमें दिनेश जो मरांडी है लिट्टीपारा से उसका टिकट काट दिया गया है। अब ये जो 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है उसमें अब देखना यह है कि लगभग 5-6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। हालांकि अभी तक जो इसमें से साफ तौर पर जो बताया गया है उसमें से धनवार सीट जो है
तो चलिए आज का ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नए नए जानकारियों के लिए चैनल में जुड़े रहें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे ओर से जोहार।